हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। एक कहावत थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का सूरज कभी नहीं डूबता था। हमारे महापुरुषों में, हमारे वीर बलिदानियों में, हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानियों में अपना खून पसीना और अपना खून बहा करके, अपना बलिदान दे करके देश को आजाद कराया। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या पूरब, क्या पश्चिम, क्या उत्तर, क्या दक्षिण, पूरा भारत एकजुट होकर के अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ने का काम किया। हमारा जो स्वतंत्रता है वो आंदोलन का प्रतीक है, संघर्ष और बलिदान का प्रतीक है। इस जो 77वें स्वतंत्रता दिवस है, इस अवसर पर मैं राज्यवासियों को, देशवासियों को अपील करना चाहता हूँ, उन बलिदानियों जो पुरुष रहे हैं उनका जो बलिदान है उसको व्यर्थ ना जाने दें और देश को एक सूत्र में बांध करके तमाम लोग एक भारतीयता का विचार ला करके इस देश को एक अग्रिम, विश्व के अग्रिम राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा करने के लिए अपना योगदान दें और न जात से न पात से सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी एक है इस नारा के साथ में हमको आगे बढ़ना है। राष्ट्र के लिए अपना जो सर्वोच्च है उसको करना है। मैं समस्त देशवासियों को 77वीं स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी बधाई और बहुत सारी शुभकामना देता हूँ।